राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ पुलिस ने लूट का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने कुछ माह पहले फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। राजगढ़ पुलिस प्रशासन ने बदमाशों की धरपकड़ करने के साथ साथ अवैध गतिविधियों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। इसी के तहत नरसिंहगढ़ थाना पुलिस ने ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने कुछ महीने पहले फाइनेंस कंपनी कर्मचारी आत्माराम के साथ लूट करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने हथियार की नोक पर कर्मचारी से मोबाइल, नकदी, रुपए सहित उसके अहम दस्तावेज लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित ने मामले की पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करते हुए उनके गिरेवा तक पहुंच गई। आरोपियों से लूट का माल बरामद करने के साथ सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य घटनाओं के खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। गाड़ी से वापस नरसिंहगढ़ की तरफ आ रहे थे, तब रास्ते में चार लोगों ने अज्ञात व्यक्तियों ने उनको रोका और उनसे इनके पास जो 81,472 रुपए जो वसूल के पैसे थे, वो बैग एक काले रंग का और एक मशीन थी वो, और दस्तावेज लूट लिए, मोबाइल भी लूट लिए थे। और इसके बाद फिर हमने जो लूटे गए मोबाइल की आई में सर्च में डाली, उस आधार पर हम साइबर सेल की मदद से आरोपी उत्तम की उनके पास पहुंच पाए। उत्तम को राउंड अप करके जब हमने पूछताछ की और तो उसने अन्य तीन व्यक्तियों विष्णु मेहरबान और सुनील गुर्जर के नाम लिया। इन सभी चारों को पूछताछ करने पर इनमें सभी चारों व्यक्तियों ने अपराध करना स्वीकार किया। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।